आज मैं कर कराई हूँ पनीर सैंडविच की रेसिपी इस सैंडविच को दो तरह से बनाएंगे और इसे हम तवे पर बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले पनीर की स्टफिंग बना लेंगे एक पैन में दो से तीन बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज दो चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और दो चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे अब गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा इन्हें दो से तीन मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे जिससे जो सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियों की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें ध्यान रखिएगा इन सब्जियों को हमें ब्राउन नहीं करना है बस हल्का सा सॉफ्ट करना है और इसी के साथ जो सब्जियाँ हैं वो हल्की पक गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा इसमें हम मसाले ऐड करेंगे छुटके भर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच अमचूर पाउडर एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा को बढ़ा लें या फिर आप इसमें हरी मिर्च को बाइक कट कर करके कर ऐड कर सकते हैं इन मसालों को लो फ्लेम पर सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए अब इसमें हम घिसा हुआ पनीर ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर लिया है अब इस पनीर को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस रेसिपी में पनीर की मात्रा और सब्जी की मात्रा आप अपने आप ज़्यादा कम कर लें इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं लास्ट में इसके ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को पनीर की सर्फ़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक मिक्स करने के बाद इसे एक मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे लास्ट मिस में इसमें कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारे पनीर की स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है स्टफिंग जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे आप चाहे एक प्लेट या थाली पर निकाल सकते हैं इस स्टफिंग से आप पनीर पराठा भी बना सकते हैं स्टफिंग ठंडा हो जाने के बाद अब सैंडविच बना लेते हैं सैंडविच बनाने के लिए दो ब्रेड की स्लाइसिस ले लेंगे और इनके ऊपर सॉस लगा देंगे तो मैं इसके ऊपर सिंपली टोमेटो केचप लगा रही हूँ आप अपने पसंद का कोई भी सॉस लगा सकते हैं सैंडविच स्प्रेड लगा सकते हैं या फिर मेयोनीज भी लगा सकते हैं मैं दूसरे ब्रेड स्लाइस पर चिली सॉस लगा रही हूँ आप इस सैंडविच को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अब एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर पनीर की स्टफिंग रख देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे इस पनीर सैंडविच बनाने का मैं आपको दो तरीका बताने वाली हूँ यह है पहला तरीका ये बहुत ही सिंपल है पनीर की स्टफिंग रखने के बाद इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे आप चाहें तो इसके ऊपर घिसा हुआ चीज़ रख सकते हैं या फिर आप इसे बिना चीज़ के बना सकते हैं दूसरे ब्रेड की स्लाइस से इसे हम कवर कर देंगे ये रहा पहला सैंडविच इसे हम बाद में सेकेंगे अब दूसरा जगह देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर तीन ब्रेड स्लाइसेज ली हैं अब एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और मैं इसके ऊपर शीमान चटनी लगा रही हूँ आप इसकी जगह किसी भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद या जो भी आप अवेलेबल हो चटनी को ब्रेड पर अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर पैंकी स्टफिंग रख देंगे और अच्छे से फैला देंगे ब्रेड के ऊपर अब इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे अब क्या करेंगे जो दूसरी ब्रेड की स्लाइस है ना उसके ऊपर बटर लगा देंगे और इस ब्रेड को हम चीज़ स्लाइस के ऊपर रख देंगे अब इसके ऊपर टमाटर की स्लाइसिस रख देंगे और टमाटर के ऊपर खीरे की स्लाइसिस रख देंगे खीरे और टमाटर की वजह से सैंडविच में काफ़ी अच्छा क्रंची टेस्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अब इनके ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे तीसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर सिंपली टोमेटो केचप और आधा चम्मच चिली सॉस लगा देंगे और इन्हें अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला देंगे खीरे के ऊपर इस ब्रेड की स्लाइस को रख देंगे और सैंडविच को कवर कर देंगे तो हमारे दोनों सैंडविच बिल्कुल रेडी है अब इन्हें सेक लेंगे सैंडविच को सेकने के लिए मैंने सिंपली लोहे का तवा लिया है गैस की फ्लेम को लो रखिएगा लोहे का तवा है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है अब इस तवे पर थोड़ा बटर रखकर अच्छे से फैला देंगे अब इसके ऊपर सैंडविच रख देंगे ये जो ब्रेड की स्लाइसिस हैं ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक तरीके प्लेट रख देंगे और इस प्लेट के ऊपर इसे किसी एक भारी बर्तन रख देंगे प्लीज़ ये भारी बर्तन रखते समय बहुत ही केयरफुल रहिएगा या फिर भारी बर्तन की जगह आप प्लेट को हाथ से प्रेस कर लीजिएगा अब बस ब्रेड को नीचे साइड से सिकने देंगे जब ब्रेड नीचे से सिक जाएगा तो ये भारी बर्तन और प्लेट हटा देंगे और ये जो ऊपर के ब्रेड है ना इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे आप बटर की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बटर हरदर लगाने के बाद अब इसे हम पलट लेंगे इसे हल्के हाथ से पलटिएगा ताकि जो सारी लेयर्स हैं ना वो खुल ना जाएँ इसे पलटने के बाद दूसरी साइड से भी सेक लेंगे ये देखिए ब्रेड के ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है वापस से इसके ऊपर प्लेट और भारी बर्तन रख देंगे भारी बर्तन रखते हुए प्लीज़ बहुत केयरफुल रहिएगा ये गलती से भी ना गिरे और ये लीजिए इसी के साथ जो हमारा सैंडविच है वो दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है अब इसे हम तवे से उतार लेंगे अब इस सैंडविच को हम जालवाल स्टैंड पर रख देंगे फटाफट से दूसरा सैंडविच भी सेक लेते हैं तवे पर बटर लगाने के बाद सैंडविच रख देंगे इसके ऊपर प्लेट और भाई बर्तन रख देंगे ताकि जो सैंडविच दोनों लेयर है आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएँ जब ब्रेड नीचे साइड से गोल्ड ब्राउन हो जाएगा तो इसके ऊपर हम इस तरीके से बटर लगा देंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्ड ब्राउन होने तक सेक लेंगे और इसी के साथ हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी है यह दोनों साइड से अच्छे से गोल्ड ब्राउन हो गया है मैं आपको यह सैंडविच कट करके दिखाती हूँ ये दोनों ही सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही जमी बनता है बस ज़रूर ट्राई करिएगा दूसरा सैंडविच तो बहुत ही सिंपल है इसे बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे आप इस सैंडविच को बच्चों टिफिन में दे सकते हैं अगर आपको पनीर सैंडविच की रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें